जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी जब तक नहीं बैठेंगे आप लोग आज के अनशन पर बैठेंगे यहाँ पर। पांच दिन से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने काटा हंगामा। बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र मोहल्ला नई बस्ती से संदिग्ध रूप से गायब हुआ युवक पांच दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं मिला। हालांकि गायब हुए युवक के पिता ने पूर्व में पुलिस को तहरीर दे दी थी, लेकिन कार्रवाई न होने से युवक के परिजन, पड़ोसी, महिला, पुरुष ने चौकी घेर ली और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि नई बस्ती निवासी संतोष पुत्र भागीरथ ने 19 जनवरी को पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसके 21 वर्षीय पुत्र बाइक लेकर बिना बताए घर से गायब हो गया था, जिसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। गायब युवक के पिता ने कार्रवाई की मांग की थी, मगर पांच दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न हुई तो आधा सैकड़ों परिजन चौकी जा पहुंचे और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर भरोसा दिलाकर शांत किया। जब इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता ने चौकी प्रभारी पंकज मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस युवक की पूरी तरह खोजबीन कर रही है। यह भी बताया कि प्रार्थना पत्र देने आए कुछ लोगों ने उनसे यह भी बताया था कि गायब हुए युवक की बाइक मध्य प्रदेश क्षेत्र बेतवा के नोट घाट पुल पर प्राप्त हुई थी, मगर अब परिजन कस्बे से लापता होने की बात कह रहे हैं। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। 19 तारीख को मेरा भाई खो गया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम था भाई का? उनका संतोष नाम था। उसकी फोटो है कोई? हाँ, फोटो दिखाया उसकी। नहीं तो आपने इसकी इत्तला दी थी? है इत्तला दी? हाँ दी, सब दी। कहाँ पे दी इत्तला? यहाँ पुलिस चौकी में दी, रानीपुर में, मऊ में दे दिया। ये मेरा भाई है। तो अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं। रिश्तेदार, दोस्तों में रिश्तेदार सब लोग यहीं आ गए घर पे। ये जब बताया गया था कि नोटघाट के पुल पे, बेतवा पुल पे उसकी गाड़ी रखी मिली थी, तो वहाँ पे जाके पर पता किया इसका? पता किया, चार पांच दिन से बराबर घूम रहे हैं वहाँ पे अभी। जो आपने अच्छा, तो जानकारी नहीं, कोई सुराग नहीं मिला, तो नहीं हो तो अभी अधिकारियों ने क्या जांच की इसकी? उसकी जानकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो रानीपुर के अलावा और कहीं आपने भी इत्तला दी थी? मऊ में? मऊ में क्या आश्वासन मिला आपको? मऊ में कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। अच्छा, तो मतलब यहाँ से मिला ना, मऊ से मिला। तो पुलिस वाले, तुम बोलो ना, पुलिस वाले को ढूंढने जा रहे कि नहीं जा रहे? उनको कुछ देखा नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, कोई लेके गया ना टोल प्लाजा। आप सब लोग जो यहाँ पे आज आए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुझे कैमरा वहाँ के चेक कराना है। प्रशासन साथ में आज जो आप सभी लोग इतने लोग आए, अब यहाँ क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये चाहते हैं धरना प्रदर्शन करोगे क्या आप? हाँ, तो ये जो सभी महिला आई है, सुनवाई कौन है? आप लोगों ने यहीं पर बैठेंगे हम लोग।